नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कुलदीप गुलेरिया आपके अपने प्रॉपर्टी चैनल प्रणव रियल एस्टेट प्रणव रेंटर से। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर आपके लिए एक नई प्रॉपर्टी पे और एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो जो है आज की बहुत शानदार रहने वाली है, एक शानदार घर आपका रहने वाला है ये। और कनेक्टिविटी की सबसे पहले मैं बात करूँ, लोकेशन की बात करूँ, तो सेक्टर 123 ये पड़ता है। कुल मैं ये कहूँगा कि जो आपका चंडीगढ़, मोहाली और न्यू चंडीगढ़ सबसे नजदीक कोई लोकेशन है तो वो सेक्टर 123 सनी इनक्लेव 200 फीट एयरपोर्ट रोड के एडजॉइनिंग। बिल्कुल अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की एयरपोर्ट रोड से, तो हार्डली ये आपका 400 से 500 मीटर का डिस्टेंस पे ही आपको ये कोठी यहाँ पे शानदार मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार एलिवेशन दिखाएंगे आपको वो। तो इस तरह से आपका जो है एलिवेशन जो है आपका ये रहने वाला है इस घर का। तो एक शानदार एलिवेशन के साथ, एक शानदार लुक के साथ आपको ये घर, एक 3 BHK इंडिपेंडेंट हाउस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अब बात करें इसके साइज की, तो ओवरऑल जो साइज है वो 100 गज का ये इस घर का साइज रहने वाला है। 100 गज में आपको ये शानदार घर आपको मिलने वाला है। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो 20 फीट का इसका फ्रंट रहेगा और 45 फीट की इसकी जो है वो डेप्थ रहने वाली है। तो एक शानदार डायमेंशन के साथ, एक सुंदर लुक के साथ आप इसका एलिवेशन, अगर आप टॉप से बात करें तो एक स्पैनिश लुक के साथ इसका जो है वो एलिवेशन आपको नजर आएगा यहाँ पे। हमें जैसे ही एंटर करेंगे तो इस तरह से आपका जो है डोर आपको जो है मेन गेट आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से आपका गेट ये रहने वाला है यहाँ पे। और बात करेंगे अब हम पार्किंग स्पेस की, तो एक आपकी जो है हैचबैक कार जो है वो इजीली यहाँ पे पार्क हो जाएगी। और यहीं पे ही हमें एक वाटर स्टोरेज टैंक भी हमें मिल जाता है यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं वाटर स्टोरेज टैंक जो है वो भी हमें यहाँ पे मिलता है। और बात करें हम इस तरफ, तो इस तरफ ये स्पेस हमें यहाँ पे मिलता है, प्लांटेशन वगैरह इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने घर के अंदर ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग एरिया की। तो आप ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया जो है वो आप देख सकते हैं, तो काफी स्पेशियस आपका ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया जो है वो रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं इस कंडीशन में आपको ये घर अभी दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन पे एक प्यारा घर बनने जा रहा है। तो हो सकता है ये जो घर है वो बनते बनते ही बिक जाते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए हम इस कंडीशन में आपको जो है वो घर दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो बात कर रहे थे हम अपने ड्राइंग डाइनिंग एरिया की। तो ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस आपने देख लिया। बात करूंगा मैं फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग भी आप ये देख सकते हैं एक शानदार डिजाइन के साथ, LED लाइट्स के साथ आपको ये फॉल सीलिंग मिल जाती है यहाँ पे। ऐसी फिटिंग्स आपको ये मिलती है यहाँ पे। और बात करूंगा मैं इस तरफ अपने ओपन मॉड्यूलर किचन की, तो मॉड्यूलर किचन भी आप ये देख सकते हैं शानदार आपका ये मॉड्यूलर किचन रहने वाला है। ड्रॉर्स आप ये देख सकते हैं, मॉड्यूलर किचन में आपको जो है ड्रॉर्स जो है सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको ये ड्रॉर्स मिल जाते हैं यहाँ पे। तो कॉम्बिनेशन आप ये देख सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, तो बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है यहाँ पे किचन में भी। और आप इसका जो एक POP वर्क है आपको ये जो छत पे भी आपको देखने को मिल जाता है, फॉल सीलिंग जो है वो छत पे भी देखने को मिल जाती है। आप ये देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए हमारे पास और सनलाइट के लिए एक बड़ी सी विंडो आप ये देख सकते हैं इस तरफ, तो जिसमें कि आपको दोनों ही प्रोविजन यहाँ पे मिलते हैं, ग्लास विंडो का भी और मैश विंडो का भी। तो आप साइज देखिए इस विंडो का, तो ऑलमोस्ट फुल साइज आपको ये विंडो मिल जाती है यहाँ पे। घर में आपको रोशनी की या वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कॉर्नर हाउस है ये, तो कॉर्नर हाउस में बेनिफिट ये होता है कि दोनों तरफ हमें जो है वो विंडो मिलती है यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं दोनों तरफ हमें विंडो यहाँ पे मिल जाती है। अब बात करें हम अपने बेडरूम्स की, तो बेडरूम्स का भी आप स्पेस देख सकते हैं, तो काफी स्पेशियस आपके जो है बेडरूम भी रहने वाले हैं। तो इस तरह से आपको जो है बेडरूम का स्पेस मिल जाता है। और इस तरफ मैं बात करूं तो आपकी जो अलमीरा है, इस तरह से आपको अलमीरा मिलती है स्लाइडिंग डोर के साथ, फुल सीलिंग हाइट
आपको अलमीरा जो है वो मिलती है यहाँ पे। और मैं बात करूँ छत की, तो छत पे आप ये देख सकते हैं इस तरह से फॉल सीलिंग जो है आपकी मिलती है आपको विद एलईडी लाइट। और एसी फिटिंग जो है आपको हर रूम में मिलने वाली है। और मैं अपने कलीग को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक वॉशरूम भी दिखाएंगे। तो इस तरह से सीलिंग हाइट आपकी है टॉप तक रहने वाली है और नीचे 30 के टाइल्स और वॉशरूम फिटिंग सारी आपको मिलती है यहाँ पे। और ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉशिंग स्पेस की, तो वॉशिंग एरिया जो है इस तरह से आपको मिल जाता है यहाँ पे। और बात करें अब हम अपने सेकेंड बेडरूम की, तो ये लिए चलते हैं आपको सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो सेकेंड बेडरूम का भी आप स्पेस देख सकते हैं, इस तरह से आपको जो है बेडरूम का स्पेस मिलता है यहाँ पे। और काफी स्पेशियस आप ये देख सकते हैं बेडरूम आपको मिलने वाला है यहाँ पे। और बात करें हम फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग का डिजाइन देख सकते हैं, शानदार डिजाइन आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग का देखने को मिल जाता है। और इस तरफ हम बात करें तो यहाँ पे जो अलमीरा है वो टिल सीलिंग हाइट तक आपको मिलती है यहाँ पे, और स्लाइडिंग अलमीरा आपकी रहने वाली है ये। और जो वॉशिंग एरिया का स्पेस आपने पीछे देखा, यहाँ पे आपको एक विंडो का प्रोविजन यहाँ पे दे दिया जाता है ताकि यहाँ पे भी घर में अंदर आपको वेंटिलेशन और सनलाइट बनी रहे। अब बात करते हैं वॉशरूम की, वॉशरूम का आप हाइट देख सकते हैं, सीलिंग हाइट तक आपकी टाइल रहने वाली है, नीचे एंटीस्किड टाइल रहेंगी। और ओवरऑल जो है वॉशरूम काफी डिसेंट स्पेस आपको मिलता है। तो दोस्तों ये था हमारा फ्लोर पे, तो आइए हम लिए चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी। तो फर्स्ट फ्लोर का जो है आप स्टेयरकेस देख सकते हैं, तो ये स्टेयर्स का स्पेस भी आप भी देख सकते हैं, काफी स्पेशियस आपका जो है वो आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारी बालकनी की, तो बालकनी का भी आप स्पेस देख सकते हैं, तो भी स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है ओवरऑल। तो शाम का टाइम अपने फैमिली के साथ आप यहाँ पे टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं। तो आइए हम लिए चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर में घर के अंदर। तो जैसे हम एंटर करते हैं, एंट्री सबसे पहले आप ये देखेंगे डोर, तो इस तरह से डोर आपको मिल जाता है यहाँ पे। और एंट्री पे ही आपको मिलता है यहाँ पे इस तरह से ये एरिया, तो इसको किचन भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन सारे आपको मिलते हैं यहाँ पे, टैप के प्रोविजन मिलते हैं, सिंक के प्रोविजन मिलते हैं यहाँ पे आपको। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये है हमारा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो बेडरूम का आप ये साइज देख सकते हैं, तो काफी डिसेंट साइज आपको यहाँ पे बेडरूम का भी मिल जाता है। और छत की बात करूँ तो फॉल सीलिंग आप ये देख सकते हैं, शानदार फॉल सीलिंग जो है पूरे घर में ही इनफेक्ट आपको मिलती है यहाँ पे विद एलईडी लाइट्स के साथ, और एसी फिटिंग्स भी आपको पूरे घर में ही मिलती है। तो यहाँ पे बालकनी में जाने के लिए आपको रूम से भी आपको ये एक एंट्री मिलती है बालकनी की तरफ। तो बात करेंगे अपने वॉशरूम की, तो वॉशरूम का साइज आप ये देख सकते हैं, तो काफी स्पेशियस मैं कहूंगा कि आपका वॉशरूम आपको मिलता है यहाँ पे। और टाइल हाइट्स आपकी सीलिंग तक रहने वाली है, और नीचे एंटीस्किड टाइल्स आपको मिलने वाली है। और ओवरऑल वॉशरूम की बात करूँ तो सारी जो फिटिंग्स हैं मिलती हैं साथ में आपको। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने ओपन स्पेस की तरफ। तो आप ये स्पेस देख सकते हैं, इस तरह से आपका जो है ओपन स्पेस आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल जो है 3 BHK एक शानदार घर, और साइज जैसे कि मैंने पहले बताया आपको 100 गज का साइज, और लोकेशन बेहद शानदार लोकेशन, बिल्कुल अप्रोचेबल आपका 200 फीट रोड के साथ, हार्डली मैक्सिमम हम बात करें तो 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपका ये घर आपको मिलता है। और जो एयरपोर्ट रोड है, कनेक्टिविटी की बात करूं वहां से, तो आपका जो न्यू चंडीगढ़ है या फिर मोहाली और चंडीगढ़ है, तो हार्डली आपका 5-10 मिनट की ड्राइव पे आप न्यू चंडीगढ़, मोहाली और चंडीगढ़ को कनेक्ट कर जाते हैं। तो एक शानदार लोकेशन के साथ एक शानदार घर। अब बात करते हैं डिमांड की, तो जो बिल्डर का आस्किंग प्राइस है यहाँ पे वो है 74 लाख। और इसमें एक और खासियत, इस घर में ईस्ट फेसिंग ये घर रहने वाला है, तो हमारा ये घर ईस्ट फेसिंग भी आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। तो हमारे जो व्यूअर्स इस तरह का इंडिपेंडेंट हाउस,
एक बढ़िया लोकेशन में, एक शानदार लोकेशन में, नियर टू चंडीगढ़, नियर टू मोहाली अगर लेना चाहते हैं तो एक शानदार ऑप्शन उनके पास ये हो सकता है। तो दोस्तों हमारे नंबर जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, डिटेल्स अवेलेबल हैं, तो आप कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप मीटिंग का शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नई प्रॉपर्टी पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।